भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से 22 नंबर को प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के गायब होने का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि अमित झा की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अमित झा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अविनाश नाम का व्यक्ति अमित झा से जमीन दिलाने को लेकर काफी पैसा लिया था और पैसे का गबन करने को लेकर अविनाश ने ही हत्या की साजिश रची थी। उसने दीना मंडल और दिलीप मंडल सहित अन्य अपराधियों के साथ हत्या को लेकर 5 लाख रुपए सुपारी देने की बात कही थी। कुछ पैसे अपराधियों को दिए गए थे। 22 तारीख को अमित झा को जमीन दिखलाने के लिए बहला फुसला कर असरगंज ले गए और वहां उसकी हत्या कर दी। गायब होने की सूचना के बाद से ही पुलिस टीम बनाकर जांच में जुटी हुई थी। अविनाश और दीना मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की है, जिसके बाद दोनों ने हत्या की बात कबूल ली है। मृतक के शव को दिलीप मंडल के द्वारा कहीं छुपा दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी और शव की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित झा नाम का एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था वो गायब हो गए हैं। उनकी गाड़ी मिली थी असरगंज के पास में, तो उस पर पुलिस ने एफआईआर करके अनुसंधान किया। सिटी एसपी के नेतृत्व में और यहाँ जो भी प्रभार में हैं एसडीपीओ के डीएसपी हेडक्वार्टर टू रोशन जी, इन लोगों के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इन लोगों ने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मेहनत की और इसमें अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई कि अमित झा का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था और एक अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है उससे कुछ 5 बीघा जमीन का डील था। उस जमीन को लेकर अमित झा ने इनको काफ़ी पैसा दिया हुआ था। उस पैसे को पचाने के लिए ही इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था और ये 22 तारीख को ही इनको जमीन दिखाने के लिए बहला फुसला कर असरगंज के पास में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और वहाँ पर योजना के अनुसार कुछ और लोग पहले से मौजूद थे और अमित झा की वहीं पर हत्या कर दी गई और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया। जो व्यक्ति अविनाश नाम है, इसने पूरी हत्या की साजिश रची, हत्या करवाई, हत्या के लिए पैसे दिए, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा उसका ही एक पड़ोसी है दीना मंडल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों ने पूछताछ में काफ़ी चीज़ें विस्तार से बताई हैं, लेकिन ये हुआ कि जो दूसरे लोग थे जिन्होंने हत्या के बाद में बॉडी कहीं ठिकाने लगाई है उसके बारे में इन लोगों को जगह नहीं पता, इनके जानकारी में नहीं है। काफ़ी पूछताछ हम लोगों ने की है, अभी जांच जारी है, तो अभी बॉडी ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। और इस घटना में शामिल जो 3 अन्य अपराधी हैं, दिलीप यादव उसका भाई और तीसरे और व्यक्ति हैं थाना क्षेत्र, तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है और संभवतः इनकी गिरफ्तारी के बाद जल्दी ही ये मामला खुलेगा कि बॉडी को कहाँ छिपाया गया है। कितनी राशि सर दी गई थी हत्या के लिए? हत्या के लिए 5 लाख में बात तय हुई थी, इसमें से कुछ एडवांस इन्होंने दिया था, कुछ बाकी पैसा जो है काम होने के बाद देना था। इसके साथ हत्या की पुष्टि से हो गई है? अभी तक जितनी जांच हम लोगों के पास हुई है, जितने जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर अभी तक हम लोग इसको हत्या का मामला मान के चल रहे हैं। बस बॉडी मिल जाएगी तो पुष्टि भी हम लोग कर देंगे। बरामद क्या क्या होगा सर अब तक प्रॉपर्टी डीलर से? जो उनकी गाड़ी में तो पहली बरामद हो गई थी 23 तारीख को, उसके अलावा मृतक का गाड़ी की चाबी, कुछ और दूसरा सामान जो है अभियुक्त के घर से बरामद हुआ है। मोबाइल और चाबी सर और चप्पल, घटनास्थल से चप्पल बरामद हुई है। तो अभी सर हत्या की आशंका ही कहा जाएगा ना सर आपकी? नहीं, आशंका नहीं, एक तरह से हम लोग तो आश्वस्त हैं कि ये हत्या उसकी हो चुकी है, जितने साक्ष्य अभी तक सामने आए हैं और जो भी पूछताछ हम लोगों ने की है। लेकिन इसमें घर के लोगों का अभी एक रहता है कि जब तक बॉडी नहीं मिले तो परिजनों को भी आशंका रहती है, तो पूरी कोशिश है कि बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर की जाए। कितने लोग सर इसमें? भागलपुर जिले में लगातार रफ्तार का कहर देखा जा रहा है। देर रात नवछिया के खरीक थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में मां और उसकी 4 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मृतिका की पहचान भागलपुर के एक निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक जीडी ज्ञानी की पत्नी भावना मिश्रा और उसके 4 साल के पुत्र शिवांश के रूप में हुई। दुर्घटना में उनकी सास नंदनी मिश्रा, साली नेहा मिश्रा और साला अभिषेक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज ताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है, सपना मिश्रा अपने पुत्र और मायके वालों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होकर नवछिया से वापस भागलपुर लौट रही थी। इसी दौरान खरीक टोल प्लाजा के पास कार का टायर ब्लास्ट कर गया और कार डिवाइडर से टकरा कर कई बार पलटी मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही भावना मिश्रा और उसके 4 वर्षीय पुत्र शिवांश की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैसे हो गयी? उसके बाद कोई बड़ा गाड़ी कौन की सारी थी? ये तो
चार इसके साथ क्या आदमी मिला के छह आदमी रिलेटिव थे क्या? मेरा नहीं है, मेरा रेंट वो छह वहाँ पर एंटर है, मतलब ये दीदी मेरा रेंटर थी और इनका परिवार सब था। सर एक ही परिवार का थे क्या? शादी में कहाँ गए थे शादी में? नौ बजे और कहाँ रहते हैं? इनका अपना घर हुआ जिला पड़ता है। तभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो ये सिकला स्थान रोड में टेन प्लस टू स्कूल। क्या नाम है इनका? भावना। शादी हो गई है? दो बच्चा था, एक बच्चा भी भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के चोर बहियार में 25 नवंबर 2018 को डायन बताकर बोकिया देवी उर्फ कोकिया की नारद मंडल और मंगल मंडल के द्वारा लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतिका के पुत्र मनोज मंडल के द्वारा हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। उस मामले में आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 13 शशिकांत ओझा ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। सजा के बाद आरोपियों का वीडियो बनाने के दौरान अभियुक्तों को लेकर आए सिपाही के द्वारा पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी और मोबाइल छीनने तक का प्रयास किया गया था। क्या है सजा हुआ है? सजा होता है आप कोर्ट कमांड में लीजिएगा फोटो तो क्या होगा, सजा में नहीं लेंगे? आप क्यों रोक रहे हैं? बताइए ना, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आदेश किसका सर? कैमरा क्यों हाथ मारे? आपको कौन बोले? आपको कौन बोले पटोला सर हाथ मारने के लिए कैमरा में? रुके ना, ना कौन बोले? आपको कौन बोला? आपको आज्ञा कौन दिया सर? कौन आदेश दिया है? हाथ लगाए कैमरा पे। अरे आप फिर आजीवन कारावास। क्या मामला था सर? मामला ये है कि हरिनगर गांव है और जो अकबर नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, एक भैंस बथना बहियार है जहां मृतिका बौकिया देवी अपने बेटा मनोज कुमार, अपनी पतो चांदनी देवी, अपनी नतनी रीता देवी के साथ धान का बोझा पीटने के लिए गई थी। वहां अभियुक्त नारद मंडल और मंगल मंडल ये दोनों वहां गए और बादी मनोज कुमार मंडल को बोले कि तुम्हारी माँ डायन है, हमारी बहन को भूत लगा दिया है। इतना कहते हुए लोग लाठी से बेरहमी से उसको मारने लगे। लाठी का पार पर लग जाने से बौकिया देवी जमीन पर गिर गई। गिरने के बाद भी ये लोग मारते रहे। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु मायागंज हॉस्पिटल में हो गई है, जिसको 302/34 एवं डायन एक्ट के 3/4 धारा में इन लोगों को 22/11/22 को माननीय न्यायालय 13 ADJ शशिकांत ओझा के यहाँ दोषी पाया गया था। आज दोनों अभियुक्तों को 302/34 में आजीवन कारावास, 20,000 रुपया का जुर्माना, डायन एक्ट के धारा 3 में 2 महीना साधारण कारावास और 4 में 3 महीना और साधारण कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। फाइन जो लगा है 20,000 रुपया का, वो नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को भुगतनी होगी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के कजरैली में विवाहिता प्रियंका कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक के पिता राजेंद्र कुमार मोदी का कहना है कि प्रियंका के पति के द्वारा उसकी बेटी की हत्या की गई है। प्रियंका की शादी 2019 में जयकांत के साथ हुई थी। पिता का कहना है कि दामाद पिछले 1.5 साल से नौकरी छोड़कर घर में था, इसी को लेकर बेटी से विवाद हुआ जिसमें पति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही पिता ने कहा कि नौकरी को लेकर पत्नी से बराबर विवाद होता था और कल भी विवाद हुआ था, जिसके बाद वो घर से निकल गया था और उसके बाद उसने घर वापस आकर उसकी बेटी की हत्या कर दी। वहीं मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना यही हुआ, रात में हमको 12:30 बजे फोन किया कि आपका बेटी प्रियंका वो कर लिया, डेट कर गया। तो बोला कि यहाँ डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं। तो हम लोग वहाँ से आए तो देखे कि डॉक्टर के यहाँ, वहाँ से लेके आया अपोलो से और बोलता है घर में रख लिए। जिंदर देखे? हाँ। क्या लगता है आपको?
क्या लगता है, हम लोग को लगता है मार दिया है। कौन मारा? मारा उसका हस्बैंड मारा। कहे उस जब शादी किए थे वो सर्विस करता था, अभी वो 1.5 साल से सर्विस छोड़ दिया। आज हमको बताया कि हम पापा तो सर्विस छोड़ दिए थे। पहले भी झगड़ा होता था, इसी में कोई तरह का लफड़ा रात में हुआ है। पहले भी झगड़ा होता था? पहले भी तो बीच बीच में होता था, बस यही तो बात है। क्या नाम था लड़की का? प्रियंका कुमारी। एफ आई आर किया, आवेदन अभी बना रहे हैं। और रात को 10:30 के आसपास जो है ना, हमारे बीच घरेलू जो हस्बैंड वाइफ में अनबन होता है। हम लोग को एक शादी अटेंड करना है, तो शादी में हम बोले मत जाओ, छोटा बच्चा है हमारा 9 महीने का, हम सिर्फ चले जाएंगे, रिसेप्शन अटेंड कर लेंगे, आ जाएंगे। उस चीज़ को लेके इसको एक गुस्सा था। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ था जो रेगुलर लेके ये हमसे हमेशा लड़ती थी कि आप जॉब छोड़ चुके हैं, देखिए मेरी बहन का शादी हो फिक्स हुआ, उसके बाद 4-व्हीलर है ये। हम बोले देखो जॉब छोड़े हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, छोटा मोटा काम धाम अपने घर पे ही शुरू करेंगे। मम्मी भी अब है नहीं, पप्पा को भी देखना है, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब लोग अपना काम करेंगे, बाहर में नौकरी कितना दिन करेंगे। ये सब चीज़ आपको पता चला है? ये हमको 10:30 के बाद ही पता चला है। हाँ जी, घड़ी पे मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि हम रूम में नहीं थे। नहीं, हम गेस्ट रूम चले गए थे। हम मेरे से अनबन जब भी करती थी ना, हम वहाँ पर से हट जाते थे। पुलिस कंफर्म की है? हाँ, ये लोग कह रहे हैं घर के लोग की किए हैं। सुबह में पत्नी का क्या नाम था? प्रियंका मोदी। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। शादी समारोह में बारबला स्टेज पर नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे हैरानी वाली बात है कि उसके हाथों में तमंचे होते हैं। भोजपुरी गाने पर डांस करती हुई लड़की ने स्टेज पर कई बार तमंचा लहराया। इस दौरान कई अन्य युवक भी उस लड़की के साथ डांस कर रहे होते हैं। फिलहाल अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पश्चिम चंपारण के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र की भालुबहिया गांव में शादी समारोह का बताया जा रहा है। आपको बता दें, तमंचा लेकर नाच रही बारबाला का वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। लड़की ने भोजपुरी गाने पर देसी कट्टा दिखाते हुए डांस किया। बताते चले कि बिहार में यह पहला मामला नहीं है, इस तरह के हाथों में लिए देसी कट्टा तमंचे पर डिस्को करता हुआ सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो प्रशासन को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को यूजर्स अब तमंचे पर डिस्को कहकर ट्रोल कर रहे हैं। अवैध हथियार पहले भी कैमरे में कैद हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले में पुरुषोत्तमपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि जांच कर आगे कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहबाद ब्राह्मण टोला के प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का अपहरण 4 दिन पूर्व होने के बावजूद अब तक प्रॉपर्टी डीलर की सकुशल बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने स्थानीय थाना प्रभारी लाल बहादुर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। दिलगौड़ी मोड़ के समीप परिजनों एवं ग्रामीणों के द्वारा जमकर हंगामा करते हुए प्रॉपर्टी डीलर अमित झा को वापस लाने की मांग की गई। थानाध्यक्ष लाल बहादुर मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए सड़क जाम कर जमकर लोगों ने हंगामा किया। घंटों सड़क जाम होने पर सीओ शंभूशरण राय, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क जाम हटाने का प्रयास करते हुए जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी डीलर की सकुशल बरामदगी का आश्वासन देकर जाम को तुड़वाया। भागलपुर के कोर्ट परिसर में विधि दिवस मनाया गया। विधि दिवस के उपलक्ष्य पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा भारत की प्रस्तावना के पठन कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेश में किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 26 नवम्बर की ऐतिहासिक तारीख को सन 1949 में भारत की संविधान समिति की तरफ से भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया जा सका। एक भारतीय नागरिक होने के नाते समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार के बारे में लोगों को अपने संविधान से ही जानकारी हुई। विधि दिवस के कार्यक्रम में अरविंद कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम भागलपुर, रोहित शंकर, ADJ 3, ज्योति कुमारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर,
सुशांत रंजन सीजीएम एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। मद्य निषेध दिवस के अवसर पर पटना से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बिहार के सभी जिलों में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी को लेकर हर एक जिला में कार्यक्रम रखा गया था। इसी बाबत भागलपुर की समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी, अपर समाहर्ता, उत्पाद अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, एसडीओ, डीपीआरओ के अलावे मद्य निषेध विभाग भागलपुर के पदाधिकारी और जीविका दीदी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए समूह को जागरूक करते हुए शपथ दिलाई गई। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बढ़ती हुई मदिरा पान एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थ तथा द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए इनसे होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना व नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना था। राष्ट्रीय कैडेट कोर दो बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी भागलपुर द्वारा एनसीसी डे के पूर्व संध्या पर सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्रसाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों दो बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी के गर्ल्स कैडेट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर उदय थापा ने एनसीसी की 3 कैडेट्स को प्रोन्नति सम्मान के तहत बैज देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि एनसीसी डे हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी तैयारी पूरी जोर शोर से की गई है। महोत्सव मना रहे हैं उसी उपलक्ष में, और कल जो है एनसीसी दिवस है। नेशनल कैडेट कोर बच्चों की एक कोर है जिसमें स्टूडेंट्स शामिल हैं और जो देश के आगे तरक्की करने के लिए इनकी ट्रेनिंग और इनका प्रोत्साहन किया जाता है। इसका आज एनसीसी डे मनाया जा रहा है और इन बच्चों ने आज आपके सामने बहुत ही उम्दा प्रोग्राम प्रेजेंट किया है, जिसकी मैं इनकी सराहना करता हूँ। सर, इसका उद्देश्य क्या है? सर, बच्चों में किस तरह से इसका एनसीसी के माध्यम से जो है देश सेवा? एनसीसी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुशासन और एकता। एकता और अनुशासन से ही हम आगे चल के पूरा देश एकत्रित होगा, हम एक साथ होंगे और देश तरक्की करेगा। बचपन से अगर ये हमारे हृदय में समझाया जाए और उसको आगे चलते रहें इन्हीं बातों को मानते हुए, तो देश की आगे तरक्की होगी। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर बिहार के द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। लाठी, टॉर्च और वर्दी की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्राम रक्षा दल के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के भागलपुर जिला अध्यक्ष पिंटू कुमार ने बताया कि भागलपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर, सन्हौला, गोराडीह, पीरपैंती, कहलगांव, रंगरा, नवगछिया प्रखंड के सदस्य विगत कई वर्षों से थाना अध्यक्ष के निर्देशानुसार संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, पंचायत क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यालय एवं उत्क्रमित विद्यालय में स्कूल प्रहरी से लेकर राष्ट्रीय त्योहार एवं महामारी आपदा कोरोना वायरस को रोकथाम को लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव श्रावणी मेला जैसे कार्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन उस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। ना तो उन्हें लाठी, टॉर्च, वर्दी दी जाती है और ना ही समय पर वेतन का भुगतान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग बैठे हुए लाठी, टॉर्च, वर्दी चाहिए। हम लोग ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र हैं, हम लोग कई वर्षों से विगत काम कर रहे हैं लेकिन आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग हर पर्व, हर त्यौहार में और कोरोना जैसा महामारी में हम लोग काम किए हैं लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी चाहिए और मानदेय और स्थायी करें। मेरा नाम पिंटू कुमार, जिला अध्यक्ष भागलपुर। लगभग 400-500 आदमी है। नशा मुक्ति दिवस और संविधान दिवस के मौके पर भागलपुर की सरयू देवी मोहनलाल उच्च विद्यालय से बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें विद्यालय की सभी छात्राएं व शिक्षक शामिल हुए। 26 नवंबर को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बिहार नशा मुक्त हो, इसको लेकर पूरे शहर में जागरूकता रैली व प्रभात फेरी निकाली गई। बच्चे पूरे शहर में घूम घूम कर नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर लोगों को जानकारी देते दिखे। इस बाबत इन बच्चों ने लोगों को जागरूक कर हुए यह संदेश दिया कि हमारा परिवार, जिला, राज्य और संपूर्ण राष्ट्र तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम नशा मुक्त रहे। आज ये जो रैली निकाली गई ये नशा मुक्ति दिवस है आज, उसके लिए भी, और आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है तो संविधान दिवस है, उसके लिए रैली निकाली गई। नशा मुक्ति का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में अभी भी लोग शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं और बच्चों को, महिलाओं को या उन बुज़ुर्गों को बहुत ही इससे परेशानियां होती हैं। समाज को नशा मुक्त करने के लिए हम लोगों ने बच्चों के द्वारा रैली निकाली, जिससे हमारा समाज जागरूक होगा और नशा मुक्त समाज हो और जिससे हमारा जिला, राज्य ये सब
सुधार हो इसमें और सब लोग स्वस्थ रहें। बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं शराब वगैरह पीने से।